लोग बहुत क्यूरियस है कि डू वी कॉल इच अदर बेबी बाबू शोना या क्या। मैं कॉल निखिल निकू हूँ। कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। आई हेट गेटिंग इन टू द स्लीपिंग पैटर्न, बट क्या करूँ, राइट नाउ इट्स 4:30 इन द इवनिंग एंड मुझे उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट मैं उठूंगा। सुबह 5 बजे तो मैं मस्त अपना हाल वाल पूरा वॉश वॉश ऑयल वॉयल करके तो मैं सोने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक 7-8 बजे मैं सोया हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अब वही करना पड़ेगा, एक दिन नहीं सो के वापस रात में सो, और जो कुछ भी अब इस टीवी में देखते हो उसका मतलब ये नहीं खरीदने वाला हूँ। अभी क्या चल रहा है, टाटा टियागो BS6 का रिव्यू चल रहा है। अरे मुझे पसंद है गाड़ी के वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही बस पसंद है। मुझे लग रहा है उस दिन जब मैंने सर्विसिंग को दी थी ना, तो मैकेनिक क्या पेट्रोल निकालता है साफ करने के लिए, कुछ ज्यादा ही पेट्रोल निकाल लिया। हाँ वसीम, ज्यादा ही पेट्रोल निकाल लिया भाई ने। कितना? हाँ 1 लीटर निकाल लिया खुद के लिए, आधा गाड़ी के लिए। मेरे को लग रहा है 2 लीटर के ऊपर निकाला है भाई, इतना जल्दी आधा कैसे हो गया? इन्होंने बैरिकेड यहाँ पर डाल तो दिए हैं, लेकिन अभी तक ठीक से काम शुरू नहीं हुआ, बिकॉज बारिश फिर से आ गई ना, तो साइड साइड में देखो यहाँ पर खोद दिया, लेकिन ये सब काम नहीं हुआ। यार मेरा ना आप लोगों से एक सवाल है, और प्लीज़ कमेंट करना कि आप उतनी ही शिद्दत से सैनिटाइजर और मास्क पहनते हो और यूज़ करते हो जितना जब आप शुरू शुरू में किए थे। मैं तो शुरू से नहीं कर रहा। इतना मैं सैनिटाइजर पहले यूज़ करता था, उसका 50% हो गया है। मास्क तो आप लोगों ने देखा ही है। मैं सैनिटाइजर यूज़ ही नहीं करता था, तो तुम लोग बोलते करके यूज़ कर रहा था। सैनिटाइजर यूज़ करने का, विद और विदाउट कोरोना वायरस सैनिटाइजर यूज़ करने का इज गुड, वो बैक्टीरिया मारता है। बट थोड़ा मास्क पहन पहन के मैं मर जाऊंगा एक दिन मेरा। नहीं बट मास्क पहनना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, मास्क पहना करो प्लीज, बाहर पहना करो। अब अपनों के साथ तो फिर कोई पहन के मतलब नहीं है, बट बाहर पहना करो। हां वो बाहर पहन लेते। सी मास्क कब पहनने का, मोस्टली कब पहनने का, जब आपको लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, आपको सर्दी खांसी है। बाहर जा रहे हो तो थोड़ा सामने वाले को भी डर नहीं लगना चाहिए करके हम लोग मास्क पहनते हैं, एंड दैट इज सो ऑब्वियस। वैसे भी देखा जाए ना अपन हमेशा ना दूसरों से दूर ही रहते हैं, देखा जाए। हाँ हम लोग तो रहते दूर। ये जो तूने सबूत निकाला है ना मेरा, बट मेरा वीडियो पहले जाएगा, मैं अपनी सफाई दे दूंगा, मैं अपनी सफाई दे दूंगा। तो शानिज ने बहुत सफाई से, मैं तो ऐसी बात नहीं, मैं वहाँ पर था मैं ऐसे आया, मतलब शानिज तू कहाँ है, बोलती वेयर आर यू, मैं समझ गया आज तो गड़बड़ है। वो कैमरे के सामने एक्टिंग की, मैंने एक बार बोला तो झूठी मतलब पहुंच गया। तो इसने आज मेरे को ऐसा दिखाया कि 10 मिनट से वेट कर रही है, बंदा पवई से आता है। आज थोड़ी ट्रैफिक भी थी, सर पर दिन ट्रैफिक थी। एनी वे शाने से एक चीज मैंने देखा कमेंट्स में, तो जैसे तेरा बर्थडे में लोगों ने बोला था कि प्रपोज निखिल शुड प्रपोज यू ऑल दैट, तो हो गया, चलो वो सब किस्सा खत्म हो गया। लोग बहुत क्यूरियस है कि डू वी कॉल इच अदर बेबी बाबू शोना या क्या। हाँ निकू बुलाती है मेरे को कभी कभी, हाँ कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून बेबी आई यू आप गुड मॉर्निंग, ये सब ज्यादा हम लोग वो ताम झाम नहीं करते, मतलब हमारा ऐसा नहीं है। हाँ वो सब रहता है। क्या शानिस, और मैं ऐसा पूछते टपक ऐसा टपली मारता हूँ, मेरे को शानिस बोलता है, तो शानिस और बोलता कभी कभी बेबी बोलता है, और कभी कभी बेटा बोलता है, बेटा बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ शानू शाना, जब चिल्लाने का तैसे करता है बेटा बेटा। ऐसा मत कर, कोई कंप्लेंट कर देगा कि वो मारता तेरे को। प्लीज कंप्लेन अबाउट दिस गाय। जोर से मारा तूने यार इधर, क्या मैं बोला क्या गिरा है, ये कौन सा कुत्ता आ गया इधर। दैट वाज फनी। वेन्यू दरवाजा भी नहीं खुलता इसको, तो वेन्यू इधर से ऐसा खोलो पूरा दरवाजा खुल जाता है। आई शुड डू लाइक यू, हां इवन आई शुड डू योर पोस्ट, अंदर से खोलना पड़ता है क्या ये। निखिल ने चाइल्ड लॉक लगाया तेरे लिए, बोलता है बच्चा है तू। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड यू नो। तो मैं और वसीम अभी स्कूटर में आए, वहां ट्रैफिक की हालत देख लो बस, इतनी ज्यादा पूरा जाम है। अरे 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 बच गया, वो पाइप से पानी गिर रहा था। यहाँ पर इतनी ट्रैफिक नहीं है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। वी वांट टू गो टू बैक रोड, लेकिन वो सिग्नल क्रॉस करने के लिए पूरा जाम है, तो यहाँ से जाम कम होता है, इस बॉटल लेकिंग यहाँ से चालू होती है, तो वी विल टेक अ राइट फ्रॉम हियर। थोड़ी देर की बात है, फिर भी जाम हो जाएगा, उधर भी अपने को राइट लेते लेते। और ये बारिश अपने फुल स्पीड में आ गई है। वसीम अभी यहाँ पर लवेल नाते में कॉफ़ी लेने गया है, और जब उतरा था तो बारिश इतनी जोर से नहीं आ रही थी, और जैसे ही गया बारिश देखो ऐसे लग रहा है अगस्त का महीना चालू है बारिश में यार, मतलब सेप्टेम्बर एंड में ऐसी बारिश होगी सोचा नहीं था मैंने। उसमें कितनी मोटू क्यूटू थी तू,
गोलू गोलू थी। हाँ, मोटू एक बात बोलू, ऐसा मुझे लगता है शानिस पहले भी खुश थी अभी भी खुश है मेरे साथ ही, तो लेकिन शानिस के चेहरे पे ना एक अलग ग्लो आ गया अभी, ऐसा मेरे को लगता है। तूने प्रपोज कर लिया ना मुझको? अच्छा इसके लिए? ये कुछ हालत हो गई है मेरी, ये देखो भाई ये पूरा पानी भर गया है और मेरी एक्सेस बंद होते होते बच गई है। अब मेरे को टेंशन आ रहा है, तो मैं मेट्रो के ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ हूँ। ये देखो भाई यहाँ से कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अरे बाप रे बाप, पूरा पूरा जो है भीग जाऊंगा मैं। अरे यार कूड़ा उड़ा दिया, अरे बाप रे लग गए। मतलब क्या है ये इतनी बुरी बारिश, इतनी बुरी बारिश तो पूरे ऐसा लगता है बारिश की सीजन में भी नहीं आई, मतलब लंबे समय के लिए आई लेकिन वन शॉट में, क्योंकि अभी भी चल रही है, हालत खराब हो गई, पूरा जो है यहाँ से भीग गया हूँ। पोंचो ने ये पार्ट तो बचा लिया। फुल ऑन टिप 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 हालत हो गई है भाई। बोलू यार ये तो पूरा भीग गया यार, ये सब भीग गया, इसको अंदर नहीं रखूंगा। पानी तो नहीं, अभी मैं हल्का सा पानी है, हल्का सा इसमें पानी है जो कि अपन साइड में रख देंगे। यहाँ से पानी लीक हो रहा था, अगर ये पार्ट भीगा ये पूरा सूखा है, पैंट तो पूरी गीली है, पिछवाड़ा थोड़ा गीला हो गया, तो एक काम करता हूँ थोड़ा फ्रेश होता हूँ। ऑल्दो बारिश ने नहला दिया था लेकिन मैं फिर भी नहा लिया हूँ, मुझे घर पे आके 3 घंटे से ज़्यादा हो गए लेकिन बारिश अभी तक रुकी नहीं है। और GoPro का नया कैमरा लॉन्च हो गया है, GoPro Hero 9 अभी तक इंडिया में आया नहीं है, बहुत जल्द आएगा और उसमें एक सुपर वाइड एंगल लेंस है। वाओ ये GoPro के एडवर्टाइजमेंट ना, इट्स लाइक GoPro आईफोन ये सब चीज़ ना अमेजिंग रहती है यार, ये इतना अच्छा रहता नहीं है रियलिटी में, लोग बहुत एडिट करते हैं लेकिन कैमरा अच्छा है, जब हाथ में आएगा तभी अपन देखेंगे। कर दिया ऑर्डर GoPro Hero 9 नया अपने कैमरे के लिए नया लेंस, ये लेंस जो है वैसा ही है, मेजर डिफरेंस यही है पीछे का बुके है वो अच्छा करेगा, फोकस बहुत अच्छा पॉइंट लेगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज दिखेगी उसमें, अपन 4K जरूर ट्राई करेंगे। पास्ट में आपने बहुत सारे लेंस मुझे यूज करते हुए देखेंगे कैमरे के लिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही मेजर लेंस है इस कैमरे के लिए, 12-24 जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ जो बहुत वाइड है, और एक है 16-35 जो भी अगेन वाइड एंगल लेंस है, लेकिन मैं सिर्फ मोस्टली इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉग्स में यूज करता हूँ, बिकॉज वो बड़ा है, राइडिंग के टाइम पे सही चीज नहीं है, लोकल भी घूमने के लिए सही चीज नहीं है, और उसमें कलर्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत हैवी लेंस है, इसलिए अपन ट्रैवलिंग के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए उसको रखते हैं। बाकी के जो लेंस आप मुझे यूज करते हैं, जैसे कि ये लेंस यहाँ पर पड़ा है, ये 80mm है, हाँ 80mm है, ये बेसिकली मैं खरीदता नहीं हूँ, ये मैं कंपनी से ले लेता हूँ थोड़ा टाइम यूज करने के लिए, अच्छा बुरा बोलता हूँ, एंड देन आई गिव देम बैक, कोई रिव्यू यूनिट नहीं रहता है ये सिर्फ अच्छे रिलेशनशिप से मुझे मिलता है। अगर डैमेज कर दिया इस प्रोसेस में तो मुझे उसका पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली अब तक मैंने कोई भी लेंस ऐसा डैमेज किया नहीं है। तो आज अपना मैं पुराना व्लॉग देख रहा था लंदन का, जो मैं अभी लंदन से वापस आया मार्च में, टाइम फ्लाइज, तो उसमें जब मैं वापस आया था मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश आया था, बिकॉज ऑब्वियसली लंदन में COVID-19 बहुत बुरी तरह फैल रहा था, एंड देन जो भी वहाँ से आ रहा था उसको बहुत हेट मिल रहा था, मुझे भी आई वॉज वन ऑफ देम, तो मैं उस वक्त मैंने समझाने की कोशिश की थी, गाइज देखो ऑब्वियसली अगर मुझे COVID-19 नहीं है, और मैंने उसी के चलते मैंने टेस्ट भी कराया था, नेगेटिव आया था, और मैंने साफ साफ बोला था गाइज देखो लॉकडाउन हुआ अच्छी बात है, क्वारंटीन होना अच्छी बात है, लेकिन घर में बैठ के किसी को भी ऐसा कोविड से बचने ही नहीं, बिकॉज होना ही है, वैक्सीन इतनी आसानी से निकलती नहीं है, बहुत चूरन चपटे दिए न्यूज चैनल वाले सब लोगों ने, बस वैक्सीन आ रहा है बस वैक्सीन, अरे मजाक है क्या वैक्सीन आ रहा है, ऐसा थोड़ी वैक्सीन आ जाएगा, टाइम लगता है वैक्सीन आने को। उस वक्त मैंने सरल भाषा में बताने की कोशिश की, ऑफकोर्स उस टाइम मैं ऐसी टोन रखता ना तो फिर मेरे को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती, तो मैंने थोड़ा अच्छे से बात करने की कोशिश की लेकिन किसी को समझा नहीं। घर में बैठ के लिटरली अगर आप ठीक हो तो आपका इम्यूनिटी गिरेगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप जो मुझे देखते हो कि मैं इधर टच कर रहा हूँ, ऐसे सब कर रहा हूँ, इसका मतलब यानी कि ऐसे कर रहा हूँ मैं, बहुत कैमरे के पीछे बहुत ध्यान रखा जाता है, मास्क भी टाइम टाइम पहनता हूँ। ऑफकोर्स इफ आई एम विद माई पीपल, जैसे अभी राइड पे गया, अभी मैं शानिस को मिलता हूँ, देखो बस कैसे आप कुछ भी ध्यान रख लो, मास्क पहन लो, ग्लव्स पहन लो, इफ़ यू मीट समवन, लाइक अगर आपके घर में कोई रहता है, माँ बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो घर में आएंगे, आप उनके साथ पूरा टाइम मास्क ग्लव्स में रहोगे तो भी कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। तो मुझे इतना पता है कि जो मैं कोई नए लोगों को मिलता हूँ तो मुझे ध्यान रखना है, फिर नए लोगों को मिलना ही नहीं है। कोरोना वायरस के डर को लिटरली धंधा बनाया गया, और ये हमने देखा है, मैंने तो बहुत पहले देख लिया था, मैंने तो अप्रैल मार्च में देख लिया था, लेकिन ऑफकोर्स उस टाइम मेरी बताने की कैमरे से हिम्मत नहीं थी और कोई मानता भी नहीं, लेकिन अभी तो हमने देख लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर के बाहर निकलो बिंदास कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस है, लेकिन हम लोग को खुद का ध्यान रखना जरूरी है, और डर से कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वैक्सीन आने को बहुत ज़्यादा टाइम है। और उसे याद आया मेरे को कि देखो अभी भी जिम और रेस्टोरेंट बंद है, स्पेशली मुंबई में, इसका क्या सेंस है, क्या क्यों बंद है, मेरे को समझ भी ना था, बस भर भर के जा रही है, लोग बाहर सड़क पे आपको भीड़ दिखेगी, जिम तो खोल दो। हाँ आपने देखा होगा मैं जिम गया हूँ, रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, कुछ लोगों ने जिम अपने हिसाब से खोल दिया, वो कैसे खोल दिया मुझे बोलने की जरूरत नहीं, हर चीज़ का तोड़ रहता है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक नहीं खुला है। एंड आई थिंक इट्स टाइम यार, इट्स टाइम कि ये चीज़ खोल देनी चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, जो है पटरी पैसी चलेगी, तो गाइस आज के लिए बस इतना रखते हैं, बोलने का तो मन बहुत है
क्या करूँ यार, फिर लोग कुछ ना कुछ इधर से एंगल छोड़ेंगे उधर से एंगल छोड़ेंगे, तो व्हाट इज गाइस आजकल इतना रखते हैं, एंजॉय दिस व्लॉग फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करो विद दिस एज ऑलवेज, शुक्रिया, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर माय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी ऐसे व्लॉग्स, अभी गोस बाय बाय।